किसी गांव में सोनू एंड मोनू नाम के दो भाई रहते हैं। दोनों खूब खेलते एवं साथ में पढ़ाई करते हैं, कभी कभी खूब लड़ाई भी करते हैं। एक दिन दोनों अपने घर के पीछे खेल रहे थे, वहाँ उन्होंने देखा कि एक कमरे में बिल्ली के दो छोटे छोटे बच्चे थे। बिल्ली की माँ कहीं गई हुई थी, वे दोनों बच्चे अकेले थे। बिल्ली के बच्चे रो रहे थे, उन्हें शायद भूख भी लगी हुई थी। सोनू व मोनू ने दोनों बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनी तो उन्हें लगा कि उनकी मदद करनी चाहिए, और ऐसा देख वह अपने घर से अपने दादाजी को बुला कर लाए। दादाजी ने देखा दोनों बिल्ली के बच्चे भूखे थे, दादाजी ने उन दोनों बिल्ली के बच्चों को खाना खिलाया और एक एक कटोरी दूध पिलाया। अब बिल्ली के बच्चों की भूख शांत हो गई थी और वह आपस में खेलने लगे। इसे देखकर सोनू व मोनू को काफ़ी संतुष्टि मिली और दादाजी ने उन दोनों को शाबाशी भी दी।